जरा मियां महमूद रशीद साहब की तरफ चलती हूँ, ऑडियो पे हमारे साथ हैं। बिफोर आई गो टू शैला रजा साहिबा, मियां साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये पेशावर के अंदर, और आपसे हम वीडियो लिंक भी कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, ये जो पेशावर के अंदर हुआ NH4 के बाद, तो हम समझ रहे थे पेशावर हो, KPK हो, वो PTI के नाम है अगली बारी भी। और जितना वो जिस तरीके से वोट करने लोग आए थे, और उसके बाद फिर जिस डेफिनेटली मार्जिन से आप लोग जीते, लेकिन आज पेशावर में PMLN का जलसा कुछ और बता रहा है। मियां महमूद रशीद साहब, आपको लगता है कुछ धजका लगा, या अपोजिशन अपना उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पाई, या PMLN के बारे में जो वीकनेसेस आपके हाथ में आई उसको आप कैश नहीं करा पाए? और जलसा जो है, अगर बड़े अरसे के बाद पेशावर में PMLN ने किया है, नवाज शरीफ साहब ने किया है, और पूरे सूबे की पार्टी ने जोर लगा के वहाँ बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, ये बंदे इकट्ठे हो गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है। बात तो देखने वाली ये है कि आइंदा इंतखाबात के अंदर आप कह रही थी कि हमें तो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, और हम बिल्कुल, हमें यकीन है कि हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे KPK के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमने खर्च किया है, लोगों की सेहत, तालीम और लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर, और 1 trillion trees का जो प्रोग्राम था हमने डिलीवर किया वहाँ पर। और आम आदमी से आप पूछ लें, वहाँ जाकर सर्वे करवा लीजिए, वो लोग कहेंगे कि पहले से और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा इंतखाबात के अंदर KPK वहाँ क्लीन स्वीप करेगी, बगैर किसी अलायंस के, बगैर किसी इतिहाद के हमें कोई खौफ नहीं। अगर खौफ होता तो हम ये MMA वगैरह ना बनने देते और इनमें से कुछ लोगों को अपने साथ लगाते। हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया, और टॉप ओ टॉप जा रहा है इमरान खान का इमेज भी और उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी। ये आइंदा इंतखाबात के अंदर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। अच्छा मियां साहब, ना सिर्फ KPK के अंदर, दिस इज अ वेरी बिग दावा दैट यू आर डूइंग, बहुत बड़ा, ठीक है,